क्रूसेड कोई धर्म युद्ध का शब्द नहीं है। बहुत से लोग उस पर लड़ने की कोशिश करते हैं कि एक धर्म युद्ध है। जीसस क्राइस्ट ने एक बात कही है, उस बात को सुनने से पहले मैं ये चाहता हूं कि हम पहले अपनी होंद को, अपनी हैसियत को देख लें कि आखिर इंसान की हैसियत इस पृथ्वी के ऊपर क्या है। ये पृथ्वी जिसके लिए हम फाइट करते हैं, हम कहते हैं कि हम फाइट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, वो पृथ्वी कितनी वैल्यू रखती है परमेश्वर के सामने। उस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि पृथ्वी कितनी छोटी है, हम कितने छोटे हैं। ये पृथ्वी है, देखो हमारी धरती है और ये सब ग्रह हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि 13 लाख धरतियां उसमें आ जाएं। सूर्य से भी कितने बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े स्टार, ग्रह नहीं, हमारी गैलेक्सी में हैं। धरती बहुत छोटी रह जाती है। अब आगे आगे आप देखना कि धरती इतनी छोटी हो जाएगी, वो सूर्य जो छोटा सा दिख रहा है उसमें 13 लाख धरतियां आ सकती हैं। अब देखो वो सूरज दिखाई नहीं दे रहा, वो छोटा सा रह गया, उसमें भी 13 लाख धरतियां हैं। फिर गैलेक्सी बनती है, ऐसी खरबों गैलेक्सियां हैं। जब खरबों गैलेक्सियां इकट्ठी होती हैं तो यूनिवर्स बनता है, और खरबों यूनिवर्स हैं। वो सूर्य जिसमें 13 लाख धरतियां आ जाएं, जो आप सुबह देखते हो, 13 लाख धरतियां सूरज में समा जाए, इतना बड़ा है वो। और जब गैलेक्सी, जब आप सिर्फ गैलेक्सी में देखोगे तो सूर्य दिखाई भी नहीं देगा। और खरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, उन गैलेक्सियों को मिला के यूनिवर्स बनता है, और खरबों यूनिवर्स हैं। और आप कहते हो ये धरती, जीसस ने कहा मेरा राज यहां का नहीं, मेरा राज वहां का है। अगर मेरा राज यहां का होता तो जब मीटिंगों को रोका जाता तो मेरे लोग लड़ते। अगर मेरा राज यहां का होता तो जब यीशु मसीह के नाम को लोग धब्बा देने की कोशिश करते हैं तो उनके लोग लड़ते। इसलिए मैं कहता हूं विरोधियों को जो बोलते हैं कि पंजाब में कन्वर्जन चल रहा है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी उन्हीं विरोधियों में से एक था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, जब उनको कैंसर हुआ, बोन का, हड्डियों का कैंसर हुआ, जब जलंधर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास वो गए और किसी ने बताया कि एक सिस्टर यहां पे हैं, क्रिश्चियन सिस्टर, जब वो प्रार्थना करेगी तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझसे नहीं बात हुई, मेरे मम्मी पापा से होती थी। तो वो जब प्रार्थना कराने के लिए उनके घरों में जाते थे और जब सिस्टर मेरे घर में आती थी तो मैं बोलता था कि हम हिंदू सिखों में से हैं, मैं खत्री परिवार से हूं, अगर ये दोबारा क्रिश्चियन लोग हमारे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, इनको मारूंगा, इनको पीटूंगा, क्योंकि ये अंग्रेज लोग अपना धर्म यहां पे छोड़ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि विरोधियों का विरोध मत करो। अगर मेरा भी विरोध करते क्रिश्चियन लोग तो मैं आज यहां पे ना होता। जब मेरा विरोध हुआ वो मेरे घर में वापिस नहीं आए, मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए, सुसाइड करने की तरफ जब मैं चल पड़ा, सब जगह जाके देखा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, दिमाग के डॉक्टर्स के पास, मैं खुद पढ़ा लिखा इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कहीं भी इलाज जब नहीं हुआ, जिस दिन सुसाइड करना था ओवरडोज लेके, भांग खा के, बहुत सारे नशे में करने लगा था, उस दिन एक हिंदू व्यक्ति जो उस चर्च का मेंबर था, उस बहन ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है उस घर में दोबारा जाओ, मेरे पापा का नाम जीवन है, तो कहते जीवन के घर में जाओ, और उस घर में प्रभु मुझे कह रहा है कि वहां कोई रूह है जो प्रभु उसे बताना बचाना चाहता है। वो बोला, परिवार बोला, कहते नहीं जी उस घर में हम नहीं जाएंगे, वहां उनका लड़का है एक बड़ा कट्टर हिंदू टाइप का, वो नहीं मानता, वो कहता अगर आए तो हम गालियां निकालेंगे, हम नहीं जाना चाहते। वो सिस्टर बोली नहीं तुम मेरी बात मानो, जाओ उस घर में, प्रभु का आत्मा कह रहा है। वो मेरे घर में आए, मैं घर में नहीं था, जब वो मेरे घर में मेरे बेडरूम में बैठे तो मैं नशा करके जब आ रहा था वापस अपने घर में और मैंने अपना रूम जब खोला तो मेरे रूम के सामने वो बैठे थे। उसमें मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी के साथ मैं खत्म हो चुका था। अपने घर के अंदर गया, कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आए। वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की बात करे, जो कि परमेश्वर के जो खुदा ने बनाया उसके सामने बिंदी भी अगर लगा दो तो वो बिंदी भी धरती से बड़ी लगेगी आपको, ये धरती इतनी छोटी है प्रभु के सामने।
उसने कहा बाइबल पकड़, जिस दिन तेरे को ईसाई धर्म नाम का बाइबल में शब्द मिलेगा उस दिन तू बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैंने कहा मैंने तो मीडिया से यही सुना है कि ये लोग धर्म बदलते हैं, बड़ा नेक्सस चल रहा है जी, बड़ा धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा है जी, बड़ा कुछ हो रहा है जी। उन्होंने कहा अच्छा, हम भी हिंदू परिवार से हैं, परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, जिसको प्रभु अपने पास बुलाता है ये उन्हीं को मालूम है। उस दिन बाइबल पकड़ ली, रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 नशा करके एक घर देखा जहां वो बंदगी करते थे, वापिस आया, मेरे पे ले हैंड प्रार्थना हुई। पहली प्रार्थना में मुझे समझ आ गया था कि अगर इस धरती पे मेरा कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मेरे को समझ आ गई थी एक प्रार्थना में ही, हल पूरा नहीं हुआ था लेकिन एक प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं दुनिया घूमा हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बड़े बड़े अफसर थे, सब जगह पढ़े लिखे लोग थे, तो मैं जानता था कि जो मैं देख रहा हूं ये फेक नहीं है। जो मैंने मीडिया से सुना, जो मैंने लोगों से सुना वो नकली, वो गलत था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, वो सही था। बाइबल को पकड़ा। उस टाइम पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट होते थे, आज की तरह इंटरनेट आम नहीं था, किसी किसी घर में होता था, कंप्यूटर आम नहीं था, किसी किसी घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन किया, यीशु मसीह के बारे में सर्च करनी शुरू की, क्या ये फेक है, क्या ये पैसा दे के धर्म बदलते हैं। आज लोग बोलते हैं जी बड़ा पैसा मिलता है जी, मैं सबके सामने बोलने के तैयार हूँ, मुझे पैसा चाहिए। है कोई बंदा पैसा देता जो क्रिश्चियन बनने के? बहुत सारे लोग तैयार है मेरे पैसा लेने के लिए, एक भी नहीं। वो पास्टर जिनके घरों का किराया तक नहीं जिनके पास होता, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के आपको यीशु का वचन सुनाते हैं। अगर उनके पास आपको कन्वर्ट करने के लिए पैसा होता तो पहले वो स्कूटर लेते, अपना घर लेते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते। वो मरते हैं, खपते हैं जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने के लिए, आपको उद्धार की कथा सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको बचाने के लिए आया। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च।